आप तीन को जीते हैं, आप नहीं समझे। हाँ तीन को जीते हैं, यही है तो लड़वा कैसे कैसे कर दिए। चंदा चंदा लीजिए, राइट वाले मिश्रा जी के पार्टी जीत गए हैं, तो लीजिए लड्डू खाइए, खाइए ना खाइए। ओ तुम, अरे तुमको तो आना ही था। अरे तुम लोग कुछ दिखा देते हो एग्जिट पोलवा में। ओ दी, एग्जिट पोलवा के चक्कर में हम सबको लड्डू खिला दिए। बेनू मतलब फिर क्या? आप तो हमारा नेचर जानते हैं, फेनु रिजल्ट आ गया। आउ दिन एग्जिट पोलवा के दिन तुमको लड्डू खिलाए थे रे, नून के नहीं तो चिन्नी के, तो मान रख लो क्योंकि सब राजनीति है। कसम खाते आज के बाद हम लड्डू ही नहीं खाएंगे। अच्छा, आज का लड्डू भी नहीं खाइएगा क्या? फ्यूज तो पुरनका वाले मिश्रा जी का पार्टी हो गया ही चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद, बोल देते। हाँ हमको बता है कि जो राइट वाले मिश्रा जी है ना, उनको पब्लिक ने ही जिताया है ना, मशीन जिता दिया है। मशीन? अरे ये सब ईवीएम के खेल है। हाँ हम तो सुन रहे हैं कि एक राज्य में पुरनका मिश्रा जी का पार्टी भी जीता था, उसमें ईवीएम का खेल था कि मशीन फेल था। पुरनका मिश्रा जी और लेफ्ट वाले मिश्रा जी साफ साफ बोले हैं कि जहाँ जहाँ नहीं जीते हैं हुआ तो ईवीएम मशीन पे तनको विश्वास नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जीते हैं हुआ भी विश्वास नहीं है हम लोग को। हाँ न तो बाकी सब तो राजनीति है। वहाँ ईवीएम पर विश्वास नहीं है आपको? देखिए, देख लीजिए गोदी मीडिया के कितना दर्द होने लगता है, तुरंत सवाल पूछने लगता है। हाँ न तो अरे फुआ को पुरनका मिश्रा जी के जो पार्टी के लोग जहाँ जहाँ जीता है ना, वहाँ के ईवीएम पर विश्वास नहीं है, इहे से कि वहाँ के पार्टी भी जीता तो 100% नहीं ना सीट मिला, माने 100 में 100। क्या फुआ? हाँ गया फुआ का सवलवा लेकर, लूटियंस मीडिया एजेंडा पत्र का। इसलिए आप दोनों से बात करने में डर लगता है। अरे फुआ से सवाल पूछो तो गोदी मीडिया, और मौसी से सवाल पूछो तो लूटियंस मीडिया एजेंडा पत्र का। ए ब्रो, ये आपके साथ तो एलओएल वाला लोल हो जाता है बार बार, एक बार नहीं। हम तो बस यही कहेंगे रिपोर्टर साहब कि जब तक चाय में उबाल ना हो और चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम पे बवाल ना हो, तब तक मजा नहीं आता है राजनीतिक चर्चा का। कर्नाटक और हिमाचल के समय ईवीएम का डायलॉग बात आपके मुंह से नहीं सुने? कैसे सुनिएगा भाभी, रिजल्ट आने के बाद तो आप पेटकुनिया परलती। हाँ ना अरे वाह, क्या बात है, सब लोग एक जगह। फुआ नहीं दिख रही है। अरे कैसे दिखेगी, जैया से तीन राज के चुनाव का रिजल्ट आया है ना, तब से पेट कुनिया पड़ ले है, बतियाइए नहीं रही है केकरा से, बोल देते हैं। मोती, मैं दोस्त भी तो आप ही का ना है। हम राइट बोलने करते हैं ब्रो। आप वो राइट नहीं बोले हैं भोला, एक्चुअली राइट तो राइट वाले मिश्रा जी बोले थे मौसी से, अब मौसी उनकर बोला काम कर दी। पहली मत बुझाइए, हुआ क्या था ये बताइए, क्या बोले थे राइट वाले मिश्रा जी मौसी को? अरे कुछ नहीं, वो तीन राज का चुनाव जीता ना, तो रिजल्ट वाले दिन आया, वो दिन हमको मिश्रा जी बोले कि जाकर सियासी नगर में लड्डू बांट दीजिए, तो वही लड्डू लेकर फुआ के घर पहुंच गए बस और कच्ची। अरे नाम तो हमारा बोला है, लेकिन लगता है भोला तो आप हैं। अरे हम जो हैं, पूरा कहानी बताइएगा आप लोग। तो सुनिए, वो क्या है कि मौसी लड्डू लेकर गई फुआ के पास, और जैसे ही मौसी फुआ के दरवाजे पर पहुंचती है तो फिर
चंदा, ए चंदा, चंदा लीजिए राइट वाले मिश्रा जी के पार्टी जीत गए हैं तो लीजिए लड्डू खाइए, खाइए ना खाइए। अब बस इसके बाद फुआ बोली, बाकी सब तो राजनीति है। हाँ ना तो ये कहते हुए फुआ तमतमाते हुए अपने घर ऐसा घुसी की सबसे बारह नहीं निकली है। हाँ। कुनिया पर गई है। कोई बात हुई, चलिए फुआ को बुलाते हैं। चलिए 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 आप भी चलिए, अरे उठिए ना, हम मौसी उठिए। चल चल ए छोटू छोटू, अब थोड़ा हम आते हैं, चाय का दुकान संभालो। ठीक है दीदी, चलिए चलिए। ए फुआ, अरे बाहर आइए, देखिए कौन आया है। काहे नहीं आ रही, एक काम कीजिए आप लोग पीछे हटिए। हां बोसी पीछे हटिए, कटिंग चाय आगे आइए। ए फुआ अतनी बाहर आइए, देखिए रिपोर्टर साहब आए हैं माइक का कैमरा लेकर, आपसे बतिया रहे हैं। क्या है? तुम, अरे तुमको तो आना ही था। तुम लोग कुछ दिखा देते हो एग्जिट पोलवा में। ओ दी, एग्जिट पोलवा के चक्कर में हम सब को लड्डू खिला दिए। बेनू मतलब फिर क्या? आप तो हमारा नेचर जानते हैं, फेनू रिजल्ट आ गया। अच्छा हम लड्डू खिलाने के लिए पहुंच गए, अरे चली गई कोप भवन में। ढेर अग्राइए मत भाभी। हाँ हमको भी पुरनका मिश्रा जी बोले हैं, का बोले हैं जानते हैं? कि हम लोग हारे नहीं हैं, हराई गए हैं। और का राइट बोली है, वो एकदम राइट बोली, एकदम हाँ। वो को हराया गया है और वो भी राइट वाले मिश्रा जी के पार्टी के द्वारा, राइट बोली है। पुआ रहे हैरिया लेगा ढेर मौसिया के पक्ष लेगा। आउ दिन एग्जिट पोलवा के दिन तुमको लड्डू खिलाए थे रे, नून के नहीं तो चिन्नी के तो मान रख लो, बाकी सब राजनीति है। अन्नत तो पर ब्रो भी का करे बुआ, रिजल्टवा आवे के बाद मौसी भी तो बलेश्वर के आके लड्डू खिलाई थी, उधरो तो चिन्नी का राज रखना ना पड़ेगा बुआ। आप तो हमरे साथ साथ ब्रो का नेचर भी जानती है। आप लोगों के नेचर का तो हमको नहीं पता, बाकी हमको दोनों जगह का लड्डू खा के आया बहुत मजा। हाँ ना? हाँ बड़ा स्वादिष्ट, हमको तो बहुत अच्छा लगा था। अरे इतना ना लड्डू का बात हो गया ना, हमको भी लड्डू खाने का मन कर रहा है। कौन सा लड्डू खाइएगा रिपोर्टर साहब? लड्डू खिला दीजिए, वही रिजल्ट वाला लड्डू खिला दीजिए, रिजल्ट वाला खिलाएंगे। कहीं नहीं, हमको तो पहले से मालूम था कि तुम रिजल्ट वाले दिन का लड्डू खाओगे, गोदी मीडिया कहीं के। अरे नहीं नहीं पुआ, ठीक है, अरे एग्जिट पोल के दिन वाला लड्डू खिला दीजिए। पता था हमको, पता था इसको एग्जिट पोल के दिन वाला लड्डू चाहिए, लुटियंस मीडिया। अरे नहीं खाना, कोई लड्डू नहीं खाना है। अरे कसम खाते हैं आज के बाद हम लड्डू ही नहीं खाएंगे। आज का लड्डू भी नहीं खाइएगा क्या? ये तो LOL वाला लोल हो गया रिपोर्टर साहब। वो भी आपके साथ। अरे आप लोग कहाँ के बाद कहाँ लेकर चले गए? मैं पूछ रहा था। हाँ पूछिए। क्या पूछ रहा था? अरे इतना तरफ बात घूम गया कि रिपोर्टर साहब कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं हुए हैं, आप लोग का बकबक सुनकर मेरा कान फ्यूज हो गया है। अरे आपका कान का फ्यूज हो गया? फ्यूज तो पुरनका वाले मिश्रा जी का पार्टी हो गया ही चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद, बोल देते। हाँ ए भाभी, लगता है कि आप भूल गई है, 5 गो स्टेट में 2 गो में तो आप लोग भी हारी है, 1 गो में तो हम लोग भी जीते हैं। आप लोग कैसे जीती है ना वो सब हम जानते हैं, पुरनका मिश्रा जी और लेफ्ट वाले मिश्रा जी हमको बताए हैं, बाकी सब तो राजनीति है। हाँ हुआ, पुरनका मिश्रा जी और लेफ्ट वाले मिश्रा जी क्या बताए हैं? हमको बताए हैं कि जो राइट वाले मिश्रा जी है ना, उनको पब्लिक ने ही जिताया है ना, मशीन जिता दिया है। मशीन? अरे ये सब EVM के खेल है। हाँ नत्त।
पर फुआ, हम तो सुने हैं कि एक राज में पुरनका मिश्रा जी का पार्टी भी जीता था, उसमें ईवीएम का खेल था कि मशीन फेल था। अरे वो पुरनका वाले मिश्रा जी आए थे ना, तो बताए थे कि वो राज्य के और उन्ने के जो लोग है बहुत समझदार है। एलओएलओल टप हुआ। का बोला है ब्रो? सही तो बोले है। मतलब फुआ इधर के हैं तो वो रहे डर भी इतना बनेगा ज्यादा काबिल बनेगा तुम काबिल आज तो हमारा नेचर जानती है नेचर का ये तो सच्चाई जानती है लेकिन सच्चाई स्वीकार करेगी तब ना। लेकिन एक बात सुन लीजिए चंदा कितनो इन्नो इन्नो बोलिएगा ना तो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और ये पब्लिक के वोट से तो हमारा फूल जैसा चेहरा खिला हुआ है बोल देते हाँ। ठीक है बोली भाभी कि पब्लिक सब जानता है जानवे करता है तब ना हिमाचल कर्नाटक में पुरनका मिश्रा जी का हाथ पकड़ लिया बाकी सब तो राजनीति है। बाकी सब राजनीति नहीं है ये जो आप बोली ना वो राजनीति है वो कर्नाटक और हिमाचल और अब तेलंगाना में जब हाथ पकड़ लिया तो सब ठीक और जब जहाँ एमपी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाथ छुड़ा लिया तो सब गलत है ना बोल देते हाँ। वो का है ना भौजी कि विश्वास तो हम लोग को नहीं है कहे के पुरनका मिश्रा जी और लेफ्ट वाले मिश्रा जी साफ साफ बोले है कि जहाँ जहाँ नहीं जीते हैं हुआ तो ईवीएम मशीनवा पे तनको विश्वास नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ जीते हैं हुआ भी विश्वास नहीं है हम लोग को हाँ ना तो बाकी सब तो राजनीति है। वहाँ ईवीएम पर विश्वास नहीं है आपको? देखिए देख लीजिए गोदी मीडिया के कितना दर्द होने लगता है तुरंत सवाल पूछने लगते है हाँ ना तो। अरे फुआ को पुरनका मिश्रा जी के जो पार्टी के लोग जहाँ जहाँ जीता है ना वहाँ के ईवीएम पर विश्वास नहीं है यह से कि वहाँ के पार्टी भी जीता तो 100% नहीं ना सीट मिला माने 100 में 100 क्या हुआ? ये तुम हमको टोंट नहीं ना मार रहा है ना फुआ बिल्कुल ना। अरे फुआ हमारे ब्रो बहुत अहिंसावादी है आज तक के को मच्छर नहीं मारे हैं टोंट का मारेंगे राइट। अब देखो भोला बाकी सब तो ठीक है बहुत निम्मन है लेकिन ये जो बेर बेर तुम राइट ब्रो बोल देते हो ना वही हमको दुख लग जाता है। लेफ्ट ब्रो बोलो क्योंकि लेफ्ट तो सही है डिक्शनरी काहे नहीं चेंज करवा देती हैं। देखिए चंदा ये डिक्शनरी में भी और देश में भी राइट सही है बोल देते हाँ। अरे बोल तो आप ही दोनों रही हैं हम लोग को भी बोलने का मौका दीजिएगा। पापे कितना बोलता है फिर भी बोलता है कि बोलने दीजिए। अरे फुआ ईवीएम पे सवाल उठा रही है इस पे क्या बोलिएगा मौसी आप है? हाँ गया फुआ का सवाल वाले कर लूटियंस मीडिया एजेंडा पत्र का इसलिए आप दोनों से बात करने में डर लगता है। अरे फुआ से सवाल पूछो तो गोदी मीडिया और मौसी से सवाल पूछो तो लूटियंस मीडिया एजेंडा पत्र का। ए ब्रो ये आपके साथ तो एलओएल वाला लोल हो जाता है बार बार एक बार नहीं। छोड़िए इन दोनों को मिस टीना टिप टॉप चाय वाली आपका क्या विचार है ईवीएम पर? सब कुछ इन्हें पूछ लीजिएगा अब मेरा वहाँ चाय का दुकान हमारा धंधा मंदा हो जाएगा अगर हम वहाँ नहीं गए तो। चलिए वहाँ चाय भी पी लीजिएगा बात भी कर लीजिएगा। हाँ हाँ चलो चलो चाय पीने चाय की दुकान पे टी पी लीजिएगा। हुआ टी चलो 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 करती है ना चलो चलो लिखी है थोड़ा। अब बताइए टिप टॉप चाय वाली ईवीएम पे आपका क्या कहना है? हम तो बस यही कहेंगे रिपोर्टर साहब कि जब तक चाय में उबाल ना हो और चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम पे बवाल ना हो तब तक मजा नहीं आता है राजनीतिक चर्चा का। ठीक बात तो आप एकदम ठीक बोली हैं टीना जी है ना एकदम दिल खुश हो गया। तो चाय के साथ साथ अच्छा टाइम पास हो गया है पब्लिक लोगों के लिए ईवीएम बतियाओ खूब बतियाओ खसी के जान जाए अखबैया के स्वाद ना। पुरनका मिश्रा जी या लेफ्ट वाले मिश्रा जी ये ईवीएम मशीनवा के खातिर हारे हैं बाकी सब तो राजनीति है।
और हम कहते हैं कि जो जनता चाहेगी उहे जीतेगा। अपने जीते तो सब ठीक। कर्नाटक और हिमाचल के समय ईवीएमा का डायलॉग बात आपके मुंह से नहीं सुने। कैसे सुनिएगा भाभी, रिजल्ट आने के बाद तो आप पेटकुनिया परलती। हाँ ना था ज्यादा बोलिए ना था। हम लोग तीन को जीते हैं, आप नहीं समझ रहे। हम तीन को जीते हैं, यही है तो लगवा। कैसे ना तो फुआ और मौसी में तू तो मैं बंद होगी, और ना इलेक्शन रिजल्ट पर ये आरोप प्रत्यारोप पर दुनिया चलती रहेगी, और मैं भी अब चलता हूँ। लेकिन 2024 का ये चुनाव का दृश्य हम दिखाते रहेंगे। अभी मुझे अनुमति दें, नमस्कार।